हमें कहते हैं हमारा मोड़ा सरकार देगी सरकार हमारा मोड़ा दे दी हम तो जब जान है हम लोग ये कई भैया दो दस बहनों के भी। क्या ये बेबस चीख पुकार आपको सुनाई दे रही हैं? क्या मौत का ये तांडव आपको नजर आ रहा है? क्या एक एक करके लाशें उगलती इस तस्वीर को आप दरकिनार कर सकते हो? शायद नहीं। लेकिन कोई है जिसे ये तस्वीर उतना झकझोर नहीं सकी जितना उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, और वो कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो इस हादसे की जगह से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर अपनी दत्तक बेटियों के शादी समारोह में व्यस्त थे। खबरों के मुताबिक अधिकारी भी मुख्यमंत्री से ये बात छुपा गए और लगभग 3 घंटे बाद सीएम ने इसकी सुध ली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। भले ही बाद में मुख्यमंत्री ने कथित वार रूम बनाकर अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन इस बात को हर कोई समझ रहा था कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ रस्म अदायगी से बढ़कर कुछ नहीं है। शाम से सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन मौत का ये गड्ढा लगातार लाशें उगल रहा है। लाशें कितनी हैं इसके बारे में कोई भी कुछ भी जानकारी नहीं दे रहा। अगर जानकारी दे दी तो शायद साहब की सफेद कॉलम के दाग और गाढ़े हो जाएंगे। कोई सच्चाई ना जान ले इसलिए घटना स्थल के आसपास का 1 किलोमीटर का दायरा सील कर दिया, लेकिन जिन आंखों ने ये हादसा देखा उनकी बात सुनकर आपको सच्चाई जानने में कतई देर नहीं लगेगी कि किस तरह मुख्यमंत्री की कर्मभूमि माने जाने वाले इस जिले का पूरा गांव एक कुएं पर निर्भर था, और वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। मानो इंतजार किया जा रहा था इस हादसे का। जनपद सरपंच और सीओ साहब को पहले मिल चुकी थी, लेकिन शायद ऐसा लग रहा था कि ये लोग इस घटना का इंतजार कर रहे थे, और हादसा कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ। लगभग 50-60 लोग थे, कुआ पहले से ही क्षतिग्रस्त था, और कुएं पे जो भी छत थी लगभग RCC की थी, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण 50-60 लोग ऊपर थे तो पूरा कुआ टुकड़ों में टूट के नीचे गिर गया और सभी लोग कुएं के अंदर चले गए। ठीक है, जिन लोगों को तैरना आता था उन्होंने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन कुछ ऐसे तैराक भी थे जिन्हें तैरना नहीं आता था उनकी वजह से वो नीचे चले गए, और हो सकता है कुछ लोग पत्थर की चपेट में आने की वजह से क्षति मतलब दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अंदर दब गए। अच्छा, अभी कुआं में लगभग कितने लोग होंगे? अनुमान ऐसा हो सकता है कि कुएं में लगभग 20-25 लोग होने चाहिए। अच्छा, अभी अब कितने निकल आ चुके हैं? निकल के लगभग यहाँ पे 15-20 लोग आ गए। मैं मेजर रमेश शर्मा हूँ। कल क्या घटना हुई बासुगांव में? कल हम यहाँ पे घाट पे लगे थे, वो शादी में, वहाँ पे वहाँ से पिल्लई साहब का फोन आया कि 10-15 लोग बासुगांव में कुएं में धंस गए हैं, उनको निकालने चलना है। तत्काल मेरी टीम ने, हमारे जो साहब के साथ में हम लोग ने गाड़ी से वहाँ पर पहुँचे तो बहुत भीड़ लगी थी कुआ पर, मतलब वहाँ JVC चालू थी, वहाँ से वो कुआ धंसा तो हम लोग अंदर कुएं के अंदर चले गए। आपके साथ पुलिस के कितने जवान कुएं में अंदर गए? कुएं में हमारे साथ में 3-4 लोग, हमारे साहब और जी हमारे साहब बाजू में जो 2-3 लोग हम कुएं में अंदर घुस गए थे। क्या सभी पुलिस वालों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? हाँ, हमको सबको सुरक्षित निकाल लिया, फिर हॉस्पिटल में भेज दिया, अस्पताल में, फिर हमको होश नहीं है कि यहाँ पर कहा गया। आपके साहब का तो कहना है कि एक पुलिस वाले का अभी तक पता नहीं चल पाया है? नहीं, यह जानकारी मुझे मालूम नहीं है, हमको रात को बेहोशी हालत में यहाँ पर रेफर किया। आनन फानन में मुख्यमंत्री ने घटना स्थल से 50 किलोमीटर दूर बैठकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मानो इस बार वो अपनी कला चूक गए। कांग्रेस ने भी इस पर तीखा तंज कसा और पूछ लिया कि मुख्यमंत्री जी, तुम्हारा क्या चला जाता अगर तुम मौके पर चले जाते? हादसे में कितने मरे इसका असल आंकड़ा शायद ही सामने आ पाए। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रिय जिले के अफसर मौतों की इन गिनती में पूरी ईमानदारी दिखाएंगे, जिससे मृतकों के परिजनों को उचित सरकारी सहायता मिल सके। चलते चलते मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और कि उस गांव में पानी के लिए कुछ और ठीक ठाक व्यवस्था भी करवा दीजिए, नहीं तो पता नहीं इस तरह के मौत के कुएं कितने और जान ले लें। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिनव चतुर्वेदी की खबर। हाँ।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।